हाय फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं प्रीपोजिशन और आज का टॉपिक है सिंस। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ द टाइम, इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और जो समय कैलेंडर में या घड़ी में देखा जाए उसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, या बताने वाले ने घड़ी या कैलेंडर में देखा हो, या सुनने वाले को घड़ी या कैलेंडर की आवश्यकता पड़े, या जो समय हम बोल रहे हैं, जिस समय के बारे में बात कर रहे हैं वो घड़ी और कैलेंडर में ज़रूर हो। तो इस तरीके के समय के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सन 2000 से सिंस 2000, सन 1985 से सिंस 1985, सन 1947 से सिंस 1947, सोमवार से सिंस मंडे, सुबह से सिंस मॉर्निंग, 4 बजे से सिंस 4 o'clock, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, पिछले सिंस लास्ट। फ्रेंड, ये सारे समय जितने भी मैं अभी आपको बताएं, ये या तो घड़ी में या कैलेंडर में ज़रूर मिल जाएंगे, इसलिए इन सभी के साथ में सिंस का यूज किया गया है। इसका प्रयोग सभी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे मैं 1999 से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1999। वह पिछले 3 दिन से आ रहा है, ही हैज़ बीन कमिंग सिंस लास्ट 3 डेज। वह रविवार से यहाँ है, ही हैज़ बीन हेयर सिंस संडे। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें। हम मिलते हैं इसी तरीके के और भी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ और भी इसी तरीके के टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए।